हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग नाउ वेलकम इन द सेशन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट टू जैसे पार्ट वन में हमने पूरा इंट्रोडक्शन और बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स एंड एन ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा है आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रो सेल बच्चों जैसे कि आपको पता है

नविन इन प्रोकैरियोटिक सेल एनी प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले बच्चों आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल प्रो मीनिंग प्रिमिटिव कैरी ऑन न्यूक्लियस हमने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स में पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल के पूरे डिटेल्स आज हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आर्बैक्टेरिया माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन हर एक प्रो सेल के कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लगभग सेम हैं। सो एनी प्रो सेल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट शोज दैट द प्रो सेल इज मेनली फॉर्म बाय टू पार्ट्स दो पार्ट से बनती है प्रो सेल वन इज द सेलप सेकेंड इज साइटोप्लाजम देखो बच्चों दो दो पॉइंट एंड साइटोप्लाजम एनवल ने माने कवरिंग पॉकेट जैसे हम कोई का किसी का बर्थडे होता है तो जैसे ग्रीटिंग कार्ड पैकेट में डाल के देते हैं ना एनवल लाइक दैट ये पूरा सेल का प्रोटेक्टिव कवरिंग है द सेल एनवल सो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर

इन इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट टूगेदरली दिस थ्री लेनवलप अभी ग्लाइको कैलिक्स सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है देखिये ये जिसमें मैं अभी डॉट्स दे रहा हूं दिस आउटर मोस्ट कवरिंग लेर इन दसेल एनवल्प इज कॉल्ड ग्लाइको कैलिक्स हवेवर ग्लाइको कैलिक्स हर एक सेल में होना ही चाहिए ऐसा कंपल्सरी नहीं है कभी होती है कभी नहीं होती है कभी बहुत थिक होती है कभी बहुत थिन होती है थिन पतली लेन द ग्लाइको कैलिक्स इज वेरी थिक इन सम बैक्टीरियल सेल इट बी नोन एज कैप्सूल वेन इट इज वेरी थिन इट इज कॉल्ड बेसिकली दिस इज नोन एज स्टाइम लेयर और दिस इज द सिंपल लेयर नाउ ग्लाइको कैलिक्स एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज इन टू फॉर्म्स कैप्सूल एंड स्लिम लेयर तो ऐसे इसके दो फॉर्म्स है कैप्सूल एंड स्लिम लेयर अब इसका फंक्शन क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स प्लेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अडेजन अडेजन मतलब चिपक जाना ऐसे है कोई भी प्रोकैरिडिक सेल बैक्टीरिया किसी होस्ट की बॉडी को किसी सब्सटेंस को चिपक जाती है बिकॉज ऑफ दिक्की लेयर कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन

तो आप ध्यान में रख सकते हैं इन द प्रो कैरिडिक सेल द वॉल इज नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल इज अप ऑफ म्यूरिन और एसिड इसमें और डेप्थ में आप ध्यान में रख सकते हैं इट इज मेडअप ऑफ पेप्टाइडो इन आरकी बैक्टेरिया दिस इज अप ऑफ स्यूडो पेप्टाइडो ग्लाइकैन It provides definite shape to the cell, it protects the cell from collapsing or bursting, and it provides mechanical support to the cell. These are basic functions of cell wall in the prokaryotic cell. Now, about cell membrane or plasma membrane. Plasma membrane or cell membrane is the innermost covering layer in the prokaryotic cell. Prokaryotic cell envelope, wali layer is plasma membrane? और सेल मेम्ब्रेन इसके बहुत सारे अलग अलग नेम्स है प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन लाइफ मेम्ब्रेन और बायलिपिड हियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरिडिक सेल एंड यू सेल एंड ऑल सेल्स इज सिमिलर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रो सेल यू कैरेडिक सेल हर एक सेल में सिमिलर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाकी काफी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स है, है प्लाज्मा एक्ट एक्टैच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपको ध्यान में रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टैच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इट कैन अलाउ सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस टू एंटर इन टू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल हियर द प्लाज्मा में सेल साइटोप्लाज्म अभी साइटोप्लाज्म मैंने स्केच नहीं किया है लेकिन साइटोप्लाज्म की पूरी बाउंड्री बनती है यह प्लाज्मा मेंब्रेन से प्लाज्मा मेंब्रेन इज मेडअप ऑफ लिपिड बाय लेयर यह लिपिड बाय लेयर मॉलिक्यूल से बनती है हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे Then the thickness of plasma membrane is about 70 to 100 uh, angstroms. Now it's a living membrane. Here, plasma membrane is the innermost lipid layer, and this plasma membrane together forms the cell envelope. Now, we have plasma membrane modifications. So, now, we this cell envelope modifications. इन सेल एनवल दीज मॉडिफिकेशन आर मेजोसोम्स फ्लैजम एंड दिस पिलाय और फिम्रिय तो इसको मैं यहां पर लेबल कर रहा हूं अभी दीज आर मेजोसोम्स दीज आर पिलाय एंड दिस इज फ्लाजेलम नाउ दिस आर मॉडिफिकेशन सबसे लैंडवल्प क्या होता है एक्चुअली देखो प्लाज्मा मेमब्रेन सीधे जाने के बजाय साइटोप्लाजम के अंदर आ गई यहाँ पर मैं आपको ये रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ ये प्लाज्मा मेम्बरेन ऐसे स्ट्रेट जाने के इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट ये नीचे ऐसे टर्न मार के राउंड बना के वापस चली गई तो इसका एक स्ट्रक्चर बन गया दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेजोसोम्स मेजोसोम्स आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रो कैरियोटिक सेल ये केवल प्रो कैरियोटिक सेल्स में होते हैं मेजोसोम्स मेजोसोम्स आर नथिंग बट द इनवेजनेशन एनक्रोचमेंट एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टू द सेल मेजोसोम्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं बच्चों कभी कभी ये ऐसे मेजोसोम है ये तो ऐसे इसकी स्टेप बन जाती है फ्लैट स्टिप बन जाती है दीज आर कॉल्ड लैमेली कभी कभी ये मेजोसोम से ऐसे बलून निकल गया बलून दीज आर कॉल्ड वेसिकल्स और कभी कभी इससे ऐसे ट्यूब बन जाती है ट्यूब कॉल्ड एस्टिब्यूल्स। सो मेजोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ लामेली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ध्यान में रखना है आपको इन विच डिफरेंट फॉर्म्स मेजोसोम्स आर फॉर्म मेजोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ लामेली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स मेजोसोम्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजोसोम ऑल्सो प्रोवाइड द स्पेस फॉर अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोइड देखिए ये भी मेजोसोम का पार्ट है ये मेजोसोम ऐसे नीचे आ गया ये ऐसे टर्न हो गया ये मेजोसोम ऐसे वापस जा रहा है और वापस जाने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे अटैच रहे न्यूक्लियाड पूरा ये सेल का न्यूक्लियोइड देखिए मेजोसोम मेजोसोम्स अटैच है इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए टू डॉटर सेल्स मेजोसोम्स इन सम सेल्स इन सम सेल्स लाइक ब्लू ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टेरिया मेजोसोम्स के ऊपर काफी सारे डॉट्स होते हैं ऐसे डार्क ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन डॉट्स और इससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर्स क्रोमैटोफोर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस इन सेल्स दिस मेजोसोम्स ऑल्सो कंटेन द रेस्पायरेटरी पिगमेंट एंड दस इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशंस तो ओवरऑल फंक्शन क्या है मेजोसोम्स के चलो एक बार रिवाइज करते हैं मेजोसोम्स द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द सेल साइटोप्लाजम आर कॉल्ड मेजोसोम्स मेजोसोम्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेल मेजोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ लामेली टिब्यूल्स और वेसिकल्स मेजोसोम्स Also, provide the surface area for attachment of nucleoid. It also brings uh, formation of DNA and distribution of DNA to daughter cells. In some cells, like blue green algae or cyanobacteria mesosome shows dark pigments these are called chromatophores that plays an important role in photosynthesis in some cells it also contains respiratory pigment that plays an important role in respiration and mesosomes also plays an important role in secretions some secretory activities of cell so this is everything about mesosomes now these elongated tubular structures look at this

तो ऐसे गले लगने के लिए कौन है एन इंपॉर्टेंट रोल इसके साथ साथ साइड साइड बाय काफी सारे ऐसे small, hairy outgrowth होते structure होते रोल इन अडेरिंग दिस बैक्टेरिया और स्टिकिंग अप दिस बैक्टेरिया टू रॉक्स और एनी सब्सटेंस और एनी होस्ट इन स्ट्रीम ऑफ वाटर कोई भी substance को

जेला इन द प्रो कैरिडिक सेल एंड यू कैरिडिक सेल इज डिफरेंट दोनों में यह फ्लाजेला का स्ट्रक्चर अलग होता है यहां पर क्या है इन द प्रोरिडिक सेल द फ्लाजेला बॉडीज ये हुक लाइक प्रोसेस हुक और यह है फिलामेंट सो so, बेजल बॉडी हुक

ग्राउंड सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म इज कलरलेस प्रोटीन रिच विस्कस सेमी लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना आपको यहां पर यह पूरे डॉट्स दिख रहे हैं पूरा पानी 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 माने क्या है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्म साइटोसॉल सेल मैट्रिक्स सेल फ्लूइड इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिकल्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक्स सो वेरियस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन डिफरेंट फॉर्म्स सेल ऑर्गेनियल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया बच्चों आपको ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना प्रो सेल का ये साइटोप्लाज्म ये ऐसे स्टेप में होता है कॉन्स्टेंटली हिलता ही नहीं है ये साइटोप्लाज्म स्टैच्यू है स्टैच्यू हम खेलते हैं ना बचपन में स्टैच्यू मतलब स्टाइलेंट मोड ये साइटोप्लाज्म की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है तो हम इसको बोलेंगे नो साइक्लोसिस इन द प्रो सेल साइटोप्लाज्म डू नॉट शो एनी स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स दैट इज साइक्लोसिस हियर द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट वेरियस सेल ऑर्गेनियल्स लाइक न्यूक्लियोइड प्लास्मिड्स राइबोसोम्स पॉलीसोम्स इंक्लूजन बॉडीज एंड इवन मेजोसोम्स जो हमने पहले ही आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है ना न्यूक्लियोइड पिछले वीडियो में हमने देखा बेसिक न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है अब यहां पर केवल वही पार्ट रिविजन का है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं न्यूक्लियइड नॉट ट्रू न्यूक्लियस इन द प्रो कैरिटिक सेल देयर इज सिंगल एक ही है सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डी एन ए क्या है ध्यान में रखना है बच्चों इन द प्रो कैरियोटिक सेल देयर इज सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डी एन ए डैट रिप्रेजेंट द क्रोमोजोम कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड रिमेन अटैच टू दिस मेजोसोम हियर न्यूक्लियस इज नॉट कवरिंग और नॉट कंप्लीट नॉट ट्रू न्यूक्लियस

characteristic features found only in prokaryotic cell kva prokaryotic cell plasmids these are additional dna additional genes chromosomes these are mini circular you may say mini chromosomes uh, small circular double-stranded dnas other than the genomic dna are called plasmids plasmid contain additional genes like nitrogen fixing genes or antibiotic resistant genes Plasmids plays an important role in uh, showing the phenotypic characteristics during transformation of cell or bacterial cell. So these are usually uh, plasmids are generally used in the field of genetic engineering for transfer of these phenotypic characteristics of cell. Iskia lawa, cytoplasm, boats <laughs> are dot dot proteins, proteins particles, these are called ribosomes. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है कवरिंग नहीं है नॉन मेम्ब्रेनस, स्मॉल स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, फाउंड इन ऑल सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल बट इन राइबो इन दैट प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर डिफरेंट दोनों में अलग अलग होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर सेवेंटी सेवेंटी का मीनिंग क्या है हम बाद में देखेंगे डिटेल्स में राइबोसोम के टाइम पे यहाँ पे अभी आपको इतना ही याद में रखना है राइबोसोम्स का साइज होता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी म्यूम। लेकिन ये इट इज रिप्रेजेंटेड एज यूनिट बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं In prokaryotic cell, there are two different units of ribosomes, 50S and 30S. So many times, these ribosomes get linked on mRNA to form the complex called as polysome or polyribosome. Ribosomes and polyribosome plays an important role in protein synthesis. These are protein factories. Here, these polysomes convert or translate mRNA into proteins. Here about. Uh,

small non membrane structures storage granules found in the cytoplasm are called inclusion bodies these are of two types organic inclusion bodies and inorganic inclusion bodies organic inclusion bodies are phyophyke k glycogen granules while inorganic inclusion bodies are in the form of phosphate sulfate granules

हो सकता है इसके पहले वाली वीडियो बाद वाली वीडियो अगर आपने नहीं दिखी तो थोड़ा लिंक लगने में मुश्किल जाएगी लेकिन डेफिनेटली मैं बोलता हूं इस तरीके से अगर आपको आपने ये वीडियो वॉच किया एक से दो बार और बुक में से कॉन्स्टेंटली रीड किया तो डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इसमें एनसीआरटी के तो है ही अदर देन एनसीआर काफी सारे पॉइंट्स इसमें मैंने कवर किए राइट थैंक यू